सो हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम करेंगे कंटिन्यू एक्सरसाइज 2.2 एंड वी विल डू क्वेश्चन 9 टू क्वेश्चन 14। इससे पहले के क्वेश्चन 1 to 8 हम कवर कर चुके हैं और हर क्वेश्चन का आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड किया गया है इन द हैंड रिटन नोट्स। और इसका बेसिक दैट इज 2.2 का बेसिक और एग्जाम्पल्स भी हम कवर कर चुके हैं, तो सारी वीडियोज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो नाउ लेट अस स्टार्ट द वीडियो। क्वेश्चन 9 मेरे पास है y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस ए टेन इनवर्स p। तो फर्स्ट कंडीशन मेरे पास थी कि y इज अ फंक्शन ऑफ x और p, तो यहाँ पर फुलफिल हो रही है। देन वी हैव टू डिफरेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या बनेगा देखिए। सो dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स का 1 प्लस a बाहर, अब आते बात टेन इनवर्स p की, 1 बाय में 1 प्लस पी स्क्वेयर, और p का मेरे पास होगा डेरिवेटिव dv बाई डी एक्स। तो यहाँ हमने पुट करी वैल्यू p की, सो p इज इक्वल्स टू दिस होल टर्म इज सेम। अब इसको अप्लाएंगे इस साइड में, तो क्या बनेगा p माइनस 1 इज इक्वल्स टू a डिवाइड बाय 1 प्लस पी स्क्वेयर इंटू में dv बाय dx। अब नेक्स्ट स्टेप में आप इसको करेंगे इस साइड शिफ्ट, और जो मेरे पास है p माइनस 1 है इसको अप्लाई कराएंगे डिवाइड में, तो क्या बनेगा dx इज इक्वल्स टू a डिवाइड बाय में p माइनस 1 इंटू पी स्क्वेयर प्लस 1 इंटू dp। अब जो नेक्स्ट स्टेप मेरा होता है वो होता है इंटीग्रेशन, बट यहाँ मेरे पास इंटीग्रेशन इसकी पॉसिबल नहीं है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको यहाँ पर करना पड़ेगा रिड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन। तो कैसे करेंगे इसको, मैं नाम दिया है क्वेश्चन नंबर 1। सो लेट दिस होल टर्म इज इक्वल्स टू ए बाय में दिस माइनस पी माइनस 1 प्लस, जहाँ मेरे पास होगी क्वाड्रेटिक टर्म तो वहाँ हम यूज़ करते हैं उससे एक कम डिग्री का पॉलिनोमियल बी पी प्लस सी। तो अब हम करेंगे पूरे को मल्टीप्लाई विद दिस फैक्टर, तो क्या बनेगा 1 इज इक्वल्स टू, अब p माइनस 1 से मेरे पास p माइनस 1 कैंसिल होएगा, सो वी हैव पी स्क्वेयर प्लस 1, और यहाँ से मेरे पास पी स्क्वेयर 1 से पी स्क्वेयर 1 कैंसिल होगा, सो वी हैव बी पी प्लस सी इन टू पी माइनस 1। तो 1 इज इक्वल्स टू, एक हमने किया मल्टीप्लाई अंदर, तो क्या बनेगा ए पी स्क्वेयर प्लस ए, और यहाँ से हमने किया पहले मल्टीप्लाई बी पी को पी से, सो बी पी स्क्वेयर, सी को पी से सो सी पी, बी पी को माइनस 1 से सो माइनस बी पी, और सी को माइनस 1 से दैट इज माइनस सी। अब आप करेंगे कलेक्ट कोफिशेंट्स पी स्क्वेयर का, पी का और कॉन्स्टेंट टर्म का, सो 1 इज इक्वल्स टू, अब पी स्क्वेयर मेरे पास यहाँ पर है और पी स्क्वेयर यहाँ पर है, तो इसका मेरे पास क्या बना है कोफिशेंट ए प्लस बी इंटू पी स्क्वेयर। देन हमारे पास आती है वैल्यू पी की, तो पी मेरे पास यहाँ पर है और यहाँ पर है, तो क्या बनेगा सी माइनस बी इंटू पी, एंड कॉन्स्टेंट टर्म एक ये रही और एक ये रही, सो ए माइनस सी, सो इट कैन बी रिटन एज 0p² प्लस में 0p प्लस 1। तो अगर आप करें अब कंपेयर कोफिशेंट को बोथ साइड में, तो a प्लस बी मेरे पास क्या आएगा 0, क्योंकि पी स्क्वेयर का मेरे पास कोफिशेंट है यहाँ पर 0। देन नेक्स्ट स्टेप मेरे पास क्या है c माइनस बी, ये किसका मेरे पास कोफिशेंट है p का, और p का मेरे पास यहाँ कोफिशेंट कितना है 0, सो c माइनस बी इज इक्वल टू 0। देन वी हैव द कॉन्स्टेंट टर्म, सो a माइनस सी मेरे पास किसके इक्वल आएगा 1 के, क्योंकि ये मेरे पास क्या है कॉन्स्टेंट टर्म, सो a माइनस सी इज इक्वल टू 1। सो दिस इज 2, दिस इज 3 एंड दिस इज 4। तो अब इसको हमने करना सॉल्व, तो हम 2 से निकालते हैं वैल्यू a की, तो एक मेरे पास क्या वैल्यू आएगी a से माइनस b, इसको मैं नाम दिया 5, और 3 से मेरे पास क्या वैल्यू आएगी c की इट इज b, इसको मैं नाम दिया 6। अब आप 5 से और 6 से a की और c की वैल्यू को पुट करेंगे 4 में, तो क्या बनता है देखिए, यहाँ मेरे पास है a माइनस c, तो a की मेरे पास वैल्यू क्या माइनस b, और c की मेरे पास वैल्यू क्या b, सो माइनस ऑफ b माइनस ऑफ b इज इक्वल्स टू 1, सो माइनस ऑफ 2b इज इक्वल्स टू 1, सो b इज इक्वल्स टू माइनस हाफ, सो मेरे पास आ चुके हैं वैल्यू b की इज माइनस ऑफ हाफ। अब इस b की वैल्यू को पुट करेंगे 6 में और 5 में, तो हमने पुट करी 5 में, तो a मेरे पास क्या बनेगा, a मेरे पास था माइनस b, तो माइनस ऑफ माइनस 1 बाई 2 इट इज प्लस 1 बाई 2, और c मेरे पास क्या बनेगा b, दैट इज c इज इक्वल्स टू माइनस 1 बाई 2। a की वैल्यू को b की वैल्यू को और c की वैल्यू को आप पुट करेंगे स्टार में, तो स्टार मेरे पास क्या बनेगी लेट अस सी। सो दिस इज द टर्म 1 बाय में p माइनस 1 इंटू पी स्क्वेयर प्लस 1 इज इक्वल्स टू, ये मेरे पास था a बाय में p माइनस 1, तो a मेरे पास क्या है 1 बाय 2, सो 1 बाय 2 इंटू में p माइनस 1, और ये मेरे पास था बी पी प्लस सी डिवाइड बाई दिस टर्म, तो b मेरे पास क्या है माइनस हाफ, सो माइनस हाफ इंटू p, और c मेरे पास क्या है माइनस हाफ, तो दिस टर्म इज सेम। अब यहाँ से मैंने कॉमन लिया है माइनस हाफ, क्या बचेगा ब्रैकेट में p प्लस 1 डिवाइड बाय में p स्क्वेयर प्लस 1, तो इट मीन्स इसको सोल्व करने पर मेरे पास वैल्यू आएगी ये वाली,
तो इसको हम पुट करेंगे इन इक्वेशन नंबर वन। सो dx मेरे पास क्या बनेगा, a इन टू, ये उस टर्म की वैल्यू है जो मेरे पास अभी थी, दैट इज वन बाय में p माइनस वन इन टू में p स्क्वायर प्लस वन इन टू dp। अब पूरे में से मेरे पास क्या कॉमन, वन बाय टू, सो वन बाय टू हमने कॉमन लिया तो क्या बन गया a बाय टू वन बाय में p माइनस वन। अब जो मेरे पास नेगेटिव साइन है इसको हम ले जाएंगे ब्रैकेट के अंदर तो क्या बनेगा, और यहाँ से इसको करेंगे हम सेपरेट, सो माइनस p डिवाइड बाय में p स्क्वायर प्लस वन और माइनस ऑफ वन डिवाइड बाय में p स्क्वायर प्लस वन। तो dx इज इक्वल टू a बाय टू, दिस टर्म इज सेम, तो यहाँ हमने क्या मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय टू, सो इट विल बिकम माइनस ऑफ वन बाय टू इन टू टू पी डिवाइड बाय पी स्क्वायर प्लस वन, माइनस ऑफ वन बाय में पी स्क्वायर प्लस वन। तो इसको हमने क्या इंटीग्रेट, तो क्या बनेगा dx का मेरे पास होगा x और प्लस सी। अब a बाय टू मेरे पास बाहर, अब देखिए ध्यान से, वन बाय में पी माइनस वन का मेरे पास बनेगा log ऑफ पी माइनस वन, अब माइनस हाफ तो मेरे पास बाहर आई तो इसको मैंने रखा बाहर हाफ, इंटीग्रल में 2p बाय में पी स्क्वायर प्लस वन। अगर मैं पुट करूं पी स्क्वायर प्लस वन को z, तो मेरे पास क्या बनेगा 2p dp मेरे पास बनेगा dz। तो इसको मैं अगर पुट करूं इन दो वैल्यूज को यहां पर तो क्या बनेगा तरीके से, इंटीग्रल में dz अपॉन में z, और dz अपॉन में z का मेरे पास क्या होता है इंडिकेशन log ऑफ z, और z मेरे पास क्या है पी स्क्वायर प्लस वन, दैट इज log ऑफ पी स्क्वायर प्लस वन, दैट इज वाई हमने मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया बाय टू। देन वी हैव द नेक्स्ट टर्म दैट इज माइनस ऑफ वन बाय पी स्क्वायर प्लस वन, सो इट विल बिकम टेन इनवर्स पी। अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू ए बाय टू लॉग ऑफ पी माइनस वन, अब जो मेरे पास माइनस हाफ है जाएगा पी स्क्वायर प्लस वन की पावर में, तो क्या बनेगा लॉग ऑफ पी माइनस वन प्लस लॉग ऑफ पी स्क्वायर प्लस वन की पावर मेरे पास क्या है माइनस ऑफ हाफ, एंड दिस टर्म इज सेम। तो मेरे पास एक्स क्या आएगा, एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू ए बाय टू, अब यहाँ मेरे पास क्या है log ऑफ a प्लस ऑफ log ऑफ b, तो क्या बनेगा log ऑफ ab, सो log ऑफ a इनटू b माइनस ऑफ tan इनवर्स p, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ x, सो दिस इज इक्वेशन नंबर सेवन। अब इस x की वैल्यू का पुट करेंगे गिवन इक्वेशन में, जो मेरे पास क्या थी y इज इक्वल्स टू x प्लस a tan इनवर्स p, यहाँ पर हमने नहीं कर रखी है तो यहाँ पर मिस्टेक है, तो आपको पुट करने वैल्यू x की वन में, सो जो मेरे पास वहाँ से आंसर आएगा वो इक्वेशन और ये इक्वेशन नंबर सेवन मेरे पास क्या जाएगी कंप्लीट सॉल्यूशन। तो यहाँ मिस्टेक है, इसको आप ध्यान से करेक्ट कीजिएगा। सो देन वी हैव क्वेश्चन नंबर टेन विच इज वाई इज इक्वल्स टू पी साइन पी प्लस कोस पी, यहाँ मेरे पास वाई है फंक्शन ऑफ पी और एक्स मेरे पास क्या है यहाँ पर जीरो, तो फर्स्ट स्टेप तो मेरे पास है कंप्लीट। अब हम करेंगे इसको यहाँ पर डिफ्रेंशिएट, तो क्या बनेगा वाई का मेरे पास बनेगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, ये मेरे पास क्या पी साइन पी, दैट इज वी हैव टू यूज यू इन टू वी रूल, तो पी एस टीज साइन का बनेगा कोस पी इन टू पी का बनेगा डी पी बाई डी एक्स प्लस साइन पी एस टीज पी का बनेगा डी पी बाई डी एक्स, और ये मेरे पास क्या है कोस पी, तो ये मेरे पास बनेगा माइनस ऑफ साइन पी इन टू में डी पी बाई डी एक्स। अब इससे मेरे पास आइटम कैंसिल, और ये इसको हम पुट करेंगे यहाँ पर अगर स्टेप में पी, तो मेरे पास क्या बनेगा p इज इक्वल टू दिस टर्म ओनली, तो p इज इक्वल टू p इंटू कोस पी इंटू डी पी बाई डी एक्स, तो इस p से मेरे पास p कैंसिल, सो वी हैव वन इज इक्वल टू कोस पी इंटू डी पी बाई डी एक्स, तो यहाँ से मेरे पास क्या आएगा dx कोस पी डी पी। अब आप करेंगे इसका इंटीग्रेशन, तो मेरे पास क्या आएगा dx का मेरे पास बनेगा x प्लस सी और इसका मेरे पास बनेगा साइन p, तो x मेरे पास क्या आएगा साइन p माइनस सी, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ x, और ये मेरे पास क्या है x इज अ फंक्शन ऑफ p, और मेरे पास गिवन इक्वेशन क्या थी वो मेरे पास थी y इज इक्वल्स टू साइन p इन टू पी प्लस में cos ऑफ p, y इज अ फंक्शन ऑफ p, और हमें ये चाहिए होता है इट मीन्स इक्वेशन टू और गिवन इक्वेशन वन मेरे पास क्या देगी कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन, इट मीन्स वन दैट इज गिवन इक्वेशन और टू मेरे पास क्या देगी कंप्लीट सॉल्यूशन देगी। नाउ क्वेश्चन इलेवन मेरे पास है वाई इज इक्वल्स टू टू पी प्लस अंडर रूट में वन प्लस पी स्क्वायर, तो यहाँ मेरे पास क्या है वाई क्या है मेरे पास यहाँ पर वाई मेरे पास यहाँ पर है फंक्शन ऑफ पी और एक्स भी हम डाल सकते हैं एक्स की पावर जीरो के फॉर्म में, तो फर्स्ट स्टेप तो मेरे पास है कंप्लीट। देन हम करेंगे इसको डिफ्रेंशिएट, तो वाई का बनेगा डी वाई बाई डी एक्स टू बाहर पी का बनेगा डी पी बाई डी एक्स प्लस ये मेरे पास है वन प्लस पी स्क्वायर की पावर वन बाय टू, तो क्या होगा जो पावर है वन बाय टू वो तो आएगी आगे, और यहाँ से मेरे पास क्या होगी पावर माइनस दैट इज वन प्लस पी स्क्वायर की पावर वन बाय टू माइनस वन, सो इट विल बिकम माइनस हाफ
तो इसलिए मेरे पास क्या आएगा वो नीचे। अब आते बात इस वाले फैक्टर को सोल्व करने की। सो 1 + p² का मेरे पास क्या बनेगा, डिफरेंशिएशन 1 का 0, और p² का मेरे पास बनेगा 2p(dp/dx). इसकी हमने पुट कर दी वैल्यू, तो p = 2 × dp/dx + (2) से मेरे पास ही 2 कैंसिल, तो क्या बचेगा p/√1 + p² × dp/dx। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, p मेरे पास सेम का सेम, यहां से हमने कॉमन लिया है dp/dx यहां से और यहां से, तो क्या बनेगा 2 + p√1 + p² × dp/dx। नेक्स्ट स्टेप में जो dx आ जाएगा इस साइड में और जो मेरे पास p आ जाएगा इस साइड में, तो क्या बनेगा dx = अब p को हम करेंगे इंट्रोड्यूस ब्रैकेट में, तो क्या बनेगा 2/p, और जब यहाँ पर आएगा इसके डिवाइड में तो इस p से मेरे पास ये कैंसिल आउट हो जाएगा। सो वी हैव 1/√1 + p² × dp। तो dx का इंटीग्रेशन x 2/1/p का बनता है log p प्लस 1/√1 + p² इसका मेरे पास होता है फॉर्मूला log ऑफ p प्लस √1 + p² प्लस c। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ x, ये मेरे पास है x इन टर्म्स ऑफ p। और अगर आपको याद हो तो मेरे पास गिवन इक्वेशन क्या थी, वो थी y = 2p + √1 + p². अब इस x को मैं गिवन में पुट नहीं कर सकता, हमें चाहिए होता सॉल्यूशन किस फॉर्म में, x इज अ फंक्शन ऑफ p और y इज अ फंक्शन ऑफ p। अगर आप देखें ध्यान से तो ये तो मेरे पास क्या है, x इज अ फंक्शन ऑफ p और गिवन इक्वेशन, ये मेरे पास क्या है, y इज अ फंक्शन ऑफ p। सो इट मीन्स दिस इक्वेशन और ये इक्वेशन, दैट इज गिवन इक्वेशन, मेरे पास दोनों मिलकर देंगी कंप्लीट सॉल्यूशन। इसको मैं नाम दिया है 2 और वो मेरे पास थी गिवन इक्वेशन 1। सो 1 एंड 2 मेरे पास क्या देगी, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। नाउ वी हैव क्वेश्चन 12, p − y = log of p² − 1। यहां से हम निकालते हैं वैल्यू y की, तो क्या बनेगा y = p − log p² − 1। यहां से मेरे पास क्या है, ये मेरे पास है y इज अ फंक्शन ऑफ p और x मेरे पास नहीं है, सो वी कैन से x की पावर 0। तो वो तो फॉर्म मेरे पास आ चुके हैं यहां पर जो मुझे चाहिए थी फर्स्ट स्टेप में, दैट y मस्ट बी अ फंक्शन ऑफ x और p। अब आता है स्टेप टू पे, स्टेप टू के अकॉर्डिंग वी हैव टू डिफरेंशिएट। तो y का मेरे पास बनेगा dy/dx, p का मेरे पास बनेगा dp/dx। अब आते बात यहाँ पर, सो log ऑफ p² − 1, तो क्या बनेगा 1/p² − 1, और p² − 1 का मेरे पास क्या बनेगा, p² का बनेगा 2p × dp/dx और 1 का बनेगा 0। तो इसकी हमने वैल्यू पुट कर दी, दैट इज p = अब यहाँ से और यहाँ से हम कॉमन लेंगे dp/dx, तो क्या बचेगा 1 − 2p / p² − 1। अब इस dx को लेकर आएंगे हम इस साइड में, और जो मेरे पास ये p है इसको हम लाएंगे साइड में, तो क्या बनेगा dx = 1/p, और जब मेरे पास ये आएगा p डिवाइड में तो इस p से मेरे पास ये p कैंसिल, सो वी हैव −2/p² − 1 dp। अब यहाँ मेरे पास क्या है, dx है, और यहाँ मेरे पास क्या है, वेरिएबल सेपरेट है यहाँ पर मेरे पास वेरिएबल p के, तो दैट मीन्स यहाँ मेरे पास इंटीग्रेशन पॉसिबल है। अब हम करेंगे इसकी इंटीग्रेशन, तो क्या बनेगी वो, dx की बनेगी x, 1/p की बनेगी log p, और −2 यहाँ से बाहर वी हैव 1/p² − 1, और ये मेरे पास किस फॉर्म की है, ये मेरे पास इस फॉर्म की इंटीग्रल में 1/x² − a², तो इसका आपको याद होना चाहिए इट इज नथिंग बट 1/2a log ऑफ x − a डिवाइड बाय में x + a। तो यहाँ मेरे पास x क्या, इस केस में इट इज p, और मेरे पास a क्या है 1, तो हम यूज करेंगे इसी फॉर्मूला का यहाँ पर, तो क्या बनेगा 1/2a, सो 1/2 × a मेरे पास क्या यहाँ पर 1 इंटू में log। अब आते ऊपर यहाँ मेरे पास x − a, तो x मेरे पास यहाँ पर है p − a दैट इज 1 डिवाइड बाय में x + a दैट इज p + 1 + c। अब इस 2 से मेरे पास 2 कैंसिल, तो क्या बनेगा x = log p, ये मेरे पास है साइन नेगेटिव का, तो हम क्या करेंगे, हम इसको करेंगे शिफ्ट log की पावर में, तो क्या बनेगा, तो जो मेरे पास -1 था वो जाएगा log की पावर में, सो इट विल बिकम log ऑफ p − 1/p + 1 की पावर − 1 + c। तो x = log p + log of p − 1/p + 1 की पावर − 1, तो क्या होगा, जो मेरे पास ये टर्म थी ये हो जाएंगी रेसिप्रोकल, तो क्या बनेगा log ऑफ जो नीचे था वो आएगा ऊपर दैट इज p + 1, और जो ऊपर था वो आएगा नीचे दैट इज p − 1 + c। तो क्या बनेगा अब x = log, अब यहाँ मेरे पास क्या log a प्लस log b, तो इट विल बिकम log ऑफ ab दैट इज log ऑफ a into this is b
एंड प्लस सी, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्स। ये मेरे पास है एक्स की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ पी, और अगर आपको याद हो तो मेरे पास गिवन इक्वेशन क्या थी, वो मेरे पास थी वाई इज इक्वल्स टू पी माइनस ऑफ लॉग पी स्क्वेयर माइनस वन। दैट इज ये मेरे पास क्या है, y इज अ फंक्शन ऑफ p, और यहाँ मेरे पास क्या है x इज अ फंक्शन ऑफ p, और हमें चाहिए होता सोल्यूशन x इज अ फंक्शन ऑफ p और y इज अ फंक्शन ऑफ p। तो इट मीन्स 2 और गिवन इक्वेशन 1 मुझे देंगे कंप्लीट सोल्यूशन, इट मीन्स 1 एंड 2 हमें देंगी रिक्वायर्ड सोल्यूशन। क्वेश्चन 13 मेरे पास है 16x का स्क्वायर प्लस 2p स्क्वायर y माइनस ऑफ p क्यूब x इज इक्वल टू 0। तो हमें चाहिए वैल्यू y की इन टर्म्स ऑफ p और x, तो हम क्या करेंगे, हम इसको रखेंगे यहाँ पर और इस टर्म को और इस टर्म को हम करेंगे शिफ्ट इस साइड में, तो क्या बनेगा 2p स्क्वायर y इज इक्वल टू पी क्यूब एक्स माइनस ऑफ 16x का स्क्वायर। हमें चाहिए वैल्यू y की, तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे पूरे को डिवाइड बाय 2p स्क्वायर, तो क्या बनेगा पी क्यूब एक्स डिवाइड बाय 2p स्क्वायर माइनस ऑफ 16x का स्क्वायर डिवाइड बाय 2p स्क्वायर। तो इस पी स्क्वायर से मेरे पास ये पी क्यूब कैंसिल, तो यहाँ मेरे पास बचेगा सिर्फ पी, सो पी एक्स डिवाइड बाई टू, 2 8 16 माइनस ऑफ 8x का स्क्वायर डिवाइड बाई पी स्क्वायर। वाई मेरे पास था वाई इज इक्वल्स टू पी ऑफ एक्स बाई टू माइनस ऑफ 8x स्क्वायर बाई पी स्क्वायर। तो इसके आप करेंगे आप डिफ्रेंशिएशन, तो क्या बनेगा वाई का बनेगा डी वाई बाई डी एक्स। अब आते बात यहाँ पर, तो यहाँ मेरे पास है p और x, सो वी हैव टू यूज u इनटू v रूल। तो अकॉर्डिंग टू डेट p बाय 2 मेरे पास क्या आएगा बाहर, बिकॉज इट इज अ फर्स्ट फंक्शन, इनटू x का मेरे पास बनेगा 1 प्लस x बाय 2 बाहर, अब p का बनेगा dp by dx। देन वी हैव माइनस 8 यहाँ से बाहर, यहाँ मेरे पास क्या है x square by p square, दैट इज वी नीड टू यूज u by v रूल। मेरे पास क्या होता है उसके अकॉर्डिंग नीचे वाले का स्क्वायर, दैट इज नीचे वाला मेरे पास क्या यहाँ पर p square, तो उसका स्क्वायर दैट इज p की पावर 4। अब आते बात नीचे वाला एस टीज, सो नीचे वाला एस टीज डिफ्रेंशिएशन ऑफ ऊपर वाले की, तो मेरे पास क्या बनेगा x स्क्वायर की डिफ्रेंशिएशन 2x माइनस ऊपर वाला दैट इज x का स्क्वायर एस टीज इंटू में डिफ्रेंशिएशन नीचे वाले का, सो p स्क्वायर का क्या बनेगा 2p इंटू dp बाई dx। नेक्स्ट स्टेप में इसकी वैल्यू पुट कर दी हमने, सो क्या बनेगा p इज इक्वल्स टू p बाई 2 प्लस x बाई 2 dp बाई dx। अब यहां से मेरे पास कॉमन है पूरे में से p, तो हम क्या करेंगे माइनस 8 इंटू पी हमने कॉमन लिया, तो क्या बचेगा ब्रैकेट में 2px माइनस, यहाँ मेरे पास सिर्फ एक p था, तो क्या बचेगा 2x का स्क्वायर इंटू में dp बाई dx डिवाइड बाय में p की पावर 4। अब इस p से मेरे पास ये p कैंसिल, तो यहाँ मेरे पास क्या बचेगा p का क्यूब, तो क्या बनेगा नेक्स्ट स्टेप में, अब इस p बाय 2 को आप लेकर आएंगे इस साइड में, तो क्या बनेगा p माइनस p बाय 2, सो p बाय 2 इज इक्वल्स टू x बाय 2 dp बाय dx। अब इसको हम करेंगे अंदर मल्टीप्लाई, तो क्या बनेगा 8 इंटू 2 इज 16, 16 ऑफ पी एक्स डिवाइड बाय में यहाँ मेरे पास क्या था पी क्यूब, और यहाँ मेरे पास साइन क्या है नेगेटिव का, सो माइनस ऑफ 16 पी एक्स डिवाइड बाय पी क्यूब। अब क्या बनेगा नेक्स्ट स्टेप में, माइनस माइनस विल बिकम प्लस, तो प्लस का निशान, 8 इंटू 2 इज 16, 16 एक्स का स्क्वेयर डिवाइड बाय में पी क्यूब इंटू में डी पी बाई डी एक्स। अब जहाँ मेरे पास dp by dx नहीं है उसको हम भेजेंगे एक साइड में, और जहाँ मेरे पास है उसको हम रखते हैं एक साइड में। अब यहाँ मेरे पास नहीं है तो उसको हम भेजते हैं साइड में, तो क्या बनेगा p by 2 प्लस, अब यहाँ मेरे पास है p, यहाँ मेरे पास नीचे का पी क्यूब, सो इससे मेरे पास ये कैंसिल, सो वी हैव 16x अपॉन में पी स्क्वायर, तो 16x अपॉन पी स्क्वायर, यहाँ से हम कॉमन लेंगे इससे और इससे dp by dx, तो क्या बनेगा x by 2 प्लस 16x का स्क्वायर डिवाइड बाई पी क्यूब इंटू में dp by dx। अब हम लेंगे इस कैल्शियम, तो क्या बनेगा 2 इंटू पी स्क्वायर का कैल्शियम, सो 2 इंटू पी स्क्वायर, तो यहाँ मेरे पास क्या बनेगा पी क्यूब प्लस में 32x इज इक्वल्स टू, यहाँ पर भी हम लेंगे एल्शियम, तो क्या बनेगा 2p क्यूब, और ऊपर मेरे पास आएगा पी क्यूब एक्स प्लस में 32x का स्क्वायर। अब इससे मेरे पास ये कैंसिल, तो यहाँ मेरे पास था 2p स्क्वायर, यहाँ मेरे पास था 2p क्यूब, तो यहाँ मेरे पास क्या बचेगा डिवाइड में p। देन हम क्या करेंगे इस p को हम ले आएंगे साइड में, तो क्या बनेगा पी क्यूब तो था ही, तो p की पावर 4 प्लस में 32px इज इक्वल्स टू पी क्यूब एक्स प्लस में 32x का स्क्वायर इंटू dp by dx। अब हम निकालेंगे वैल्यू dp by dx की, तो ये मेरे पास क्या होगा शिफ्ट डिवाइड में, सो p पावर 4 प्लस 32px डिवाइड बाय में पी क्यूब एक्स प्लस 32x का स्क्वायर। अब यहाँ से मेरे पास कॉमन है p, सो p इंटू पी क्यूब प्लस 32x डिवाइड बाय में, यहाँ से मेरे पास कॉमन है x, तो x इंटू पी क्यूब प्लस 32x, तो इससे मेरे पास ये कैंसिल,
सो वी हैव पी बाय एक्स इज इक्वल टू डी पी बाई डी एक्स। यहाँ से वेरिएबल को सेपरेट करना पॉसिबल है, तो इसको हम करेंगे इसके डिवाइड में और ये मेरे पास आएगा ऊपर, तो क्या बनेगा डी पी बाय में पी इज इक्वल टू में डी एक्स बाय एक्स। अब इसको हम करेंगे इंटीग्रेशन, तो इसका इंटीग्रेशन क्या बनेगा डी पी बाय पी का बनेगा लॉग पी इज इक्वल टू डी एक्स बाय एक्स का बनेगा लॉग एक्स प्लस लॉग सी। अब ये मेरे पास क्या है लॉग ऑफ ए प्लस लॉग ऑफ बी, तो क्या बनेगा लॉग ऑफ ए बी दैट इज लॉग ऑफ सी एक्स। अब इस लॉग से मेरे पास ये लॉग कैंसिल, सो वी हैव पी इज इक्वल टू सी एक्स। यहाँ पर मेरे पास जो पी की वैल्यू है वो नहीं कर रही है इंडिपेंडेंटली, तो इसको हम पुट करेंगे गिवन में। वन मेरे पास थी y इज इक्वल टू पी एक्स बाई टू माइनस ऑफ एट एक्स का स्क्वायर डिवाइड बाई पी स्क्वायर, तो क्या बनेगा यहाँ हम पुट करेंगे वैल्यू सी एक्स, सो सी एक्स इन टू एक्स इज सी एक्स का स्क्वायर डिवाइड बाई टू माइनस ऑफ एट एक्स का स्क्वायर डिवाइड बाई सी स्क्वायर एक्स का स्क्वायर। तो यहाँ से मेरे पास ये टर्म कैंसिल, सो वट वी हैव लेट अस सी, तो मेरे पास बचेगा y इज इक्वल टू सी एक्स का स्क्वायर डिवाइड बाई टू माइनस ऑफ एट बाई सी स्क्वायर। अब हमने किया पूरे का मल्टीप्लाई विद टू सी स्क्वायर, तो क्या बनेगा टू सी स्क्वायर y इज इक्वल टू टू मेरे पास यहाँ से होगा कैंसिल आउट, तो वट वी हैव सी स्क्वायर, सो सी स्क्वायर इन टू दिस टर्म क्या बनेगी सी क्यूब एक्स का स्क्वायर। और यहाँ से मेरे पास क्या होगा सी स्क्वायर से होगा सी स्क्वायर कैंसिल, सो वट वी हैव एट इंटू टू इज सिक्सटीन। अब इसको आप करेंगे एक साइड शिफ्ट, तो क्या बनेगा टू सी स्क्वायर वाई प्लस सिक्सटीन माइनस ऑफ सी क्यूब एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, और ये मेरे पास क्या देगा रिक्वायर्ड सोल्यूशन। सो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन 14 की, सो इट इज पी क्यूब प्लस एम पी स्क्वायर इज इक्वल टू ए ब्रैकेट में वाई प्लस एम एक्स। तो स्टेप वन के अकॉर्डिंग हमें करना है वाई को एक्सप्रेस एज द फंक्शन ऑफ एक्स और पी, तो हम यहाँ से निकालते हैं वैल्यू वाई की, तो हम क्या करेंगे इस ए को हम करेंगे शिफ्ट साइड में, तो क्या बनेगा पी क्यू प्लस एम पी स्क्वायर डिवाइड बाई ए इज इक्वल्स टू वाई प्लस एम एक्स। इसको हम करेंगे शिफ्ट इस साइड में, सो वाई इज इक्वल्स टू पी क्यू प्लस एम पी स्क्वायर डिवाइड बाई ए माइनस ऑफ एम एक्स, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर वन। इसको करेंगे अब हम डिफ्रेंशिएट, तो वाई का बनेगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू वन बाई ए बाहर, पी क्यूब का बनेगा थ्री पी स्क्वायर डी पी बाई डी एक्स प्लस, अब एम मेरे पास है कॉन्स्टेंट तो एम बाहर, और पी स्क्वायर का बनेगा टू पी डी पी बाई डी एक्स, देन वी हैव माइनस ऑफ एम एक्स, तो माइनस एम बाहर एक्स का वन सो माइनस ऑफ एम। इसको हमने पुट कर दिया पी, सो पी इज इक्वल्स टू वन बाई ए। अब यहाँ से और यहाँ से मेरे पास कॉमन है डी पी बाई डी एक्स, सो थ्री पी स्क्वायर प्लस टू एम पी डी पी बाई डी एक्स माइनस ऑफ एम। एम को करेंगे शिफ्ट टर्म इक्वल के साइड में, तो क्या बनेगा पी प्लस एम इज इक्वल्स टू ये टर्म सेम। अब ए को हम करेंगे मल्टीप्लाई इस साइड में, सो ए टाइम्स पी प्लस एम इज इक्वल्स टू थ्री पी स्क्वायर प्लस टू इंटू पी एम इंटू डी पी बाई डी एक्स। अब डी एक्स को हम करेंगे शिफ्ट इक्वल के साइड में, और जो मेरे पास है पी प्लस एम है इसको हम डालेंगे डिवाइड में, सो ए टाइम्स डी एक्स इज इक्वल्स टू थ्री पी स्क्वायर प्लस टू इंटू पी एम डिवाइड बाई में पी प्लस एम इंटू डी पी। अब यहाँ मेरे पास क्या है डी एक्स है, और यहाँ मेरे पास क्या है होल टर्म किस में है पी में, सो इट मीन्स यहाँ मेरे पास अब इंटीग्रेशन पॉसिबल है। तो अब हम करेंगे इंटीग्रेशन, तो ए डी एक्स मेरे पास क्या होगा इंटीग्रेशन ए बाहर डी एक्स की एक्स। अब थोड़े यहाँ पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा, यहाँ पर हम करेंगे थोड़ी मॉडिफिकेशन, तो ये स्टेप आपको याद रखना पड़ेगा हम क्या करेंगे, तो थ्री पी स्क्वायर प्लस में टू पी एम, अब हम करेंगे यहाँ पर एम स्क्वायर प्लस और एम स्क्वायर माइनस, इसका चलेगा आपको रीजन पता लेटर ऑन कि हमने ऐसे क्यों किया, डी पी डिवाइड में पी प्लस एम। इन तीन टर्म को हम करेंगे इकट्ठा एक साइड में, तो क्या बनेगा थ्री पी स्क्वायर प्लस टू एम पी माइनस ऑफ एम स्क्वायर डिवाइड बाई पी प्लस एम इंटू डी पी प्लस, इसको हम करेंगे अलग, सो प्लस में इंटीग्रल एम स्क्वायर डिवाइड बाई पी प्लस एम इंटू डी पी। अभी मेरे पास है क्वाड्रेटिक, तो यहाँ से हम इसके बनाएंगे फैक्टर, तो क्या बनेगा इसका मेरे पास ये मेरे पास है टू, तो इसको हम तोड़ेंगे दो फैक्टर में थ्री और वन में, सो लेट अस सी। तो एक्स इज इक्वल्स टू थ्री पी स्क्वायर जो मेरे पास टू एम पी था उसको मैं तोड़ लिया दो पार्ट में, फर्स्ट इज थ्री एम पी और माइनस ऑफ एम पी एंड माइनस एम स्क्वायर मेरे पास एस टीज डिवाइड बाई पी प्लस एम इंटू डी पी, एंड प्लस में लास्ट टर्म मेरे पास थी एस टीज। यहाँ से मेरे पास कॉमन कैन दो टर्म्स में से थ्री और पी, तो क्या बचेगा ब्रैकेट में पी प्लस एम, और यहाँ से मेरे पास क्या कॉमन है यहाँ से और यहाँ से माइनस का एम, तो क्या बचेगा ब्रैकेट में पी प्लस एम, सो थ्री पी कॉमन मेरे पास बचेगा पी प्लस एम और वहाँ से माइनस एम कॉमन, सो वी हैव पी प्लस एम इंटू डी पी डिवाइड बाई में पी प्लस एम प्लस में इंटीग्रल एम स्क्वायर डिवाइड बाई पी प्लस एम इंटू डी पी। अब पी प्लस एम मेरे पास क्या है पूरे से कॉमन, तो मेरे पास क्या आएगा पी प्लस एम इंटू में थ्री पी माइनस एम, तो मेरे पास बनेगा ए एक्स इज इक्वल्स टू
पी प्लस एम क्या है पूरे से कॉमन, सो पी प्लस एम इंटू में थ्री पी माइनस एम डिवाइड बाई में पी प्लस एम इंटू डी पी प्लस इंटीग्रल में एम स्क्वायर डिवाइड बाई पी प्लस एम इंटू डी पी। अब इससे मेरे पास एक आंसर, सो वी हैव ए एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल में थ्री पी माइनस एम इंटू डी पी प्लस ये टर्म मेरे पास सेम, ए एक्स इज इक्वल टू, अब थ्री बाहर पी का बनेगा पी स्क्वायर बाई टू माइनस, अब एम मेरे पास है कॉन्स्टेंट तो एम बाहर और डी पी का बनेगा पी प्लस एम स्क्वायर कॉन्स्टेंट बाहर और वन बाय एम में पी प्लस एम क्या बनेगा लॉग ऑफ पी प्लस एम एंड प्लस सी वन। तो एक्स मेरे पास क्या आएगा, इस ए को हम ले आएंगे डिवाइड में, तो एक्स इज इक्वल्स टू थ्री पी स्क्वायर बाय में टू ए माइनस ऑफ एम पी बाय ए प्लस में एम स्क्वायर बाय ए लॉग ऑफ पी प्लस एम प्लस सी वन बाय ए। नेक्स्ट टाइम हम पुट करेंगे सी वन बाय ए को सी, बिकॉज सी वन बाय ए इज ऑल्सो ए कॉन्स्टेंट और ये मेरे पास टर्म्स क्या है सेम। तो यहाँ से मुझे मिल चुकी है वैल्यू एक्स की इन टर्म्स ऑफ पी, सो दिस इज इक्वेशन नंबर टू। देन हम क्या करेंगे, हम यूज करेंगे वैल्यू को एक्स की इन द गिवन इक्वेशन, सो लेट अस सी। तो पी क्यू प्लस एम पी स्क्वायर डिवाइड बाई ए माइनस ऑफ एम और ये मेरे पास क्या है एक्स की वैल्यू। तो सेकेंड इक्वेशन विच इज एक्स इज फंक्शन ऑफ पी एंड इक्वेशन मेरे पास क्या है थ्री, जहां पर मुझे मिल चुकी है वाई की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ पी, तो टू एंड थ्री मेरे पास क्या देगी मिलकर कंप्लीट सोल्यूशन, सो टू एंड थ्री गिव अस द रिक्वायर्ड सोल्यूशन। तो आज की वीडियो में हम करते हैं सिर्फ इतना ही, बाकी क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो आई होप कि जो भी आपको आज की वीडियो में करवाया गया है वो आपको समझ आया होगा, अगर उसके रिगार्डिंग आपको कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। सो टिल देन बाय बाय एंड हैव अ गुड डे।